हेलो प्यारे बच्चों और दोस्तों, मैं सर्वेश कुमार दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं हम दोनों के प्यारे से बैच में जिसका नाम है मंथन नीट। देखो यार बच्चों, आप सभी बच्चे जानते हैं कि अब जो हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं 2025 के नीट की कर रहे हैं, तो सबसे पहले प्रिपरेशन से पहले आपका प्लान बहुत सही होना चाहिए कि यार पूरे केमिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है। मैं आपके 2 से 3 मिनट लूंगा, फिर क्लास को स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि पूरी केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है। तो पूरी केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको टीचर के नोट्स बहुत अच्छे से फॉलो करने, टीचर के लेक्चर बहुत अच्छे से फॉलो करने, फिर एनसीईआरटी बहुत अच्छे से फॉलो करनी है, ए टू जेड। हम लोग क्लास के अंदर सारा कुछ करा देंगे। बस हर बच्चे को मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं, मंथन बैच का एक एक टीचर इंडिया लेवल का बेस्ट टीचर है। आपको सिर्फ टीचर को आंख बंद करके फॉलो करना है। जैसा जैसा टीचर कहता जाए बस आप बेटा वैसा वैसा करते चले जाओ। आपके सिलेक्शन को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है, कोई ताकत रोक नहीं सकती है, मगर आपको उसको तन्मयता से फॉलो करना पड़ेगा, डेडिकेशन के साथ फॉलो करना पड़ेगा। जो टीचर हार्डवर्क करा रहा है वो हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा। यदि उतने हार्ड वर्क के लिए आप तैयार हो तो आपको मैं लिख के देता हूं कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। आप टॉप रैंक फोड़ोगे ही फोड़ोगे, टॉप रैंक फोड़ोगे ही फोड़ोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और केमिस्ट्री में आपके 180 में से 180 आएंगे। इतने बच्चे हम लोगों को मिले जिनके नंबर 175, 170, 165 ऐसे हैं, 180 भी एक बच्चे के थे। मगर ये सब तभी पॉसिबल है जब आप आंख बंद करके हम लोगों की बात को समझोगे और लगातार फॉलो करोगे। मगर उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी मेहनत क्या रहेगी, तो आपकी मेहनत रहेगी क्या, फॉलो करना, और उसमें हार्डवर्क करना पड़ेगा। और यदि उतना हार्डवर्क करते हो तो सिलेक्शन आपका ही होगा, सिलेक्शन आपका ही होगा। मंथन बैच इंडिया का वो बैच होगा जो सबसे ज्यादा सिलेक्शन देगा ऑनलाइन में, सबसे ज्यादा सिलेक्शन देगा परसेंटेज वाइज, आप देखिएगा। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्यों, क्योंकि सिलेक्शन किन बातों से होता है ये हम लोगों को पता है, और आप अपना हार्डवर्क करोगे ये भी हमें पता है कि आप अपनी तरफ से जान लगा दोगे, और हम लोग तो फिर जान लगाते ही हैं हर साल। तो आप क्या करो, आप पूरी ताकत से बहुत तन्मयता से इसको फॉलो करो। कैसे लेक्चर स्टार्ट होगा, कहां कहां क्या करूंगा, मैं आपको एक जल्दी से बता देता हूं, फिर क्लास स्टार्ट करता हूं। आज आपको केमिकल काइनेटिक्स का, ठीक है, डेमो क्लास होगा जिसमें हम लोग रेट और रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। क्लासेस चलेंगी कैसे, मैं तुम्हें कैसे पढ़ाऊंगा अब आपको बता देता हूं। इससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि सर जो अभी पीछे कह रहे थे उसमें क्या क्या कैसे कैसे होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, लेक्चर नोट्स को बहुत अच्छे से बनाना है। मतलब क्लास के नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप पूरा लेक्चर देखें और लेक्चर के नोट्स बनाएं, ना भी बनाएं तो चलेगा, मगर ये वाला जो पार्ट है इसको आप बहुत अच्छे से फोकस रखिएगा, सीएचडी नोट्स। जो मैं क्लास के दौरान ये मैं ही बनाऊंगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस फॉलो करना है। क्लास में मैं आपको सीएचडी नोट्स बनवाऊंगा जिसमें क्या होगा, सारे कॉन्सेप्ट लिखे होंगे, सारे फॉर्मूले लिखे होंगे। आपको रिवीजन के फॉर्म में इसको रिवाइज करना है। जैसे बच्चे कहते हैं ना कि सर किस चीज को रिवीजन करें, इतनी मोटी मोटी नोटबुक बन गई है, तो रिवीजन किसका करें, तो आप रिवीजन सिर्फ करोगे किसका, इसका, कॉन्सेप्ट बाय सर्वेश दीक्षित सीएचडी का। इसमें क्या क्या लिखा होगा, इसमें कॉन्सेप्ट लिखे होंगे, मेन मेन पॉइंट लिखे होंगे और सारे फॉर्मूले लिखे होंगे, और कॉन्सेप्ट वो लिखे होंगे जो मैंने डिजाइन किए हैं, ऐसा नहीं कि बुक के कॉन्सेप्ट लिखे होंगे ना। अच्छा, टेस्ट ऑफ ईच लेक्चर, लेक्चर खत्म होने के बाद, जैसे आज मैं पढ़ा रहा हूं, आज लेक्चर खत्म हुआ तो आज का लेक्चर के टेस्ट कल होगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं 2 क्वेश्चन का टेस्ट लेता हूं, पिछले लेक्चर का टेस्ट ऑफ ईच लेक्चर 2 से 3 क्वेश्चन देता हूं,
पिछले लेक्चर के, जो आज पढ़ाऊंगा उसका टेस्ट कल होगा, कल पढ़ाऊंगा उसका टेस्ट परसों होगा, और क्लास स्टार्ट करने से पहले लेता हूं। उसको नाम दिया जाता है क्यूएसडी। क्यूएसडी मतलब क्वेश्चन बाय सर्वेश दीक्षित। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल नए क्वेश्चन होते हैं, इसमें कोई भी क्वेश्चन किसी बुक से उठाया हुआ नहीं होता है, न्यू क्वेश्चन होता है। ये बिल्कुल नया क्वेश्चन मैं डिजाइन करता हूं, बिल्कुल नया क्वेश्चन होता है, डिजाइन करके आपको दिया जाता है। हां, वो क्वेश्चन हो सकता है एनसीईआरटी के डाटा को चेंज करके आया हो सकता है थ्योरी को चेंज करके आया हो, मगर नया होगा। मैं बच्चे को बार बार खुला बोलता हूं कि तुम गूगल करो और आंसर दो, बस तुम आंसर दे दो। क्यों? गूगल करने पे ये क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसको मैंने फॉर्म किया होगा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर में, इनसे कम से कम 10% क्वेश्चन फंस जाते हैं। मतलब जो आपके जैसे अभी फिजिकल केमिस्ट्री में 19 क्वेश्चन आए, तो 19 में 3-4 क्वेश्चन तो इसी से फंस जाएंगे, क्यूएसडी से। क्यों? क्योंकि पूरे चैप्टर में खत्म होते होते कम से कम 20 क्यूएसडी करा देता हूं, डेली दो देता हूं, कभी दो कभी तीन, कभी दो कभी तीन, और हर लेक्चर को पढ़ाने में 7-8 क्लास लग चाहिए हर चैप्टर को पढ़ाने में। तो और ये कैसे क्वेश्चन होते हैं जो मुझे लगते हैं कि यार इस चैप्टर से एनटीए ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हर लेक्चर का मैं टेस्ट लेता हूं, समरी लेक्चर ऑफ कंप्लीट चैप्टर। जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो किसी बच्चे को यदि जल्दी जल्दी रिवाइज करना है तो रिवाइज कैसे करें? क्या फिर से सारे लेक्चर देखें? तो नहीं, एक कंप्लीट चैप्टर का 2 से 2 घंटे के आसपास का समरी लेक्चर देता हूं, उसमें सारी बातें पढ़ा देता हूं, सारी बातें रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा समरी लेक्चर। जैसे बच्चे को रिवीजन करना हो तो समरी लेक्चर से कर ले। और ये बात भी ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट में बहुत यूजफुल होता है। जब आप टेस्ट दोगे तो टेस्ट देते समय रिवीजन करना पड़ता है। अब बच्चा पता चला पढ़ने पढ़ते ही पढ़ते सारा टाइम बर्बाद कर दे रहा है, वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कब करे और टेस्ट कब दे? तो वहां पर इनका बहुत बड़ा रोल होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे के 400 नंबर आ रहे हैं, 500 नंबर आ रहे हैं, 600 नंबर आ रहे हैं, तो जिनके 400, 500, 600 नंबर आ रहे हैं पहले से ही, उनके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होता है। और बाकी सबके लिए कब यूजफुल होता है? जब रिवीजन करना पड़ता है दिसंबर के समय, तो बहुत जल्दी जल्दी रिवीजन होता है। हर चैप्टर की एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एग्जाम्पल, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी इंडेक्स क्वेश्चन, ये सब कुछ क्लास में कराया जाएगा। ऐसे कैसे कराया जाएगा? तो देखो, ये देखो, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन जो उस सब टॉपिक का होगा उसी में कराया जाएगा। जैसे ये देखो एग्जाम्पल है, ये देखो इंटेक्स क्वेश्चन है ना, ये सारे आपको क्लास में ही कराए जाएंगे, आज की क्लास में भी कराऊंगा। साथ में आपको डीपीपी मिलेगी जो आपको करनी होगी, उसमें असर्शन और रीजन के क्वेश्चन भी होंगे, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी होंगे, मैचिंग भी होगी, सिंगल करेक्ट भी होंगे, हर तरह के क्वेश्चन होंगे इसमें। और जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो एक टीएसडी लूंगा। टीएसडी होता है टेस्ट ऑफ ईच चैप्टर इन क्लास, और ये क्वेश्चन मैं बनाता हूं, इसीलिए टेस्ट बाय सर्वेश दीक्षित होता है। इसमें कोई भी क्वेश्चन पुराना नहीं होता है, सारा नया क्वेश्चन होगा, मैंने बनाया होगा और होगा नीट लेवल का ही। कैसे बनाऊंगा? एनसीईआरटी के कुछ डाटा चेंज कर दूंगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन को एग्जाम्पल में कन्वर्ट कर दूंगा, है ना, ऑप्शन में कन्वर्ट कर दूंगा, या स्टेटमेंट वाइज में कन्वर्ट कर दूंगा, या अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाऊंगा कि यार इस चैप्टर से एनटीए किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। पूरी केमिस्ट्री इस तरह से चलेगी, फिजिकल केमिस्ट्री, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री। आपको सिर्फ एक काम करना है, मंथन बैच को पूरी जान लगा के फॉलो करना है। ऐसी टीम, यूनिक टीम किसी के पास नहीं है और ना आज तक बनी है अभी तक। तो ध्यान रखना, आपको यदि सिलेक्शन लेना है तो इन सारी चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। यदि सिलेक्शन लेना है तो इन सारी चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। और सिलेक्शन की गारंटी मेरी, टॉप रैंक की गारंटी हम लोगों की है। पेपर में जो कुछ आएगा वो सब तुम्हारे कॉपी पे लिखा होगा, सब पढ़ाया गया होगा, और तुम्हें यह भी बताया गया होगा कि यही क्वेश्चन आएगा, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, बस करना आपको होगा, करना आपको होगा। तो चलो अब हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा बच्चों, वो करूंगा रेट डेमो के फॉर्म में और रेट ऑफ रिएक्शन। एक बात और बता देता हूं, बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा।
और बेसिक से लेके टॉप लेवल तक जाया जाएगा। जिसको कुछ नहीं आता है वो भी लेक्चर को समझ जाएगा, और जिसको सब कुछ आता है वो भी लेक्चर को समझेगा। उसके लिए भी बहुत सारे पॉइंट होंगे कि अच्छा इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। तो सारे बच्चे पूरी तरह से तैयार हो जाएं क्लास को, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा एक एक चीज। तो चलो अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, आज डेमो लेक्चर है, ठीक है, और डेमो लेक्चर के बाद हम लोग चैप्टर करेंगे। तो जो चैप्टर किया जाएगा, मतलब जो बैच में पढ़ाया जाएगा, वो बैच में उस जगह से पढ़ाया जाएगा जो आपका प्लानर है, ठीक है, प्लानर के हिसाब से मंथन बैच में पढ़ाया जाएगा, ठीक। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं रेट क्या होता है। क्या कोई बच्चा बता सकता है कि सर रेट किसको कहते हैं, रेट होता क्या है? गौर से समझो, आप बाइक चलाते हो तो आपसे पूछा जाता है कितनी स्पीड से चला रहे हो, तो आप क्या बोलते हो? आप ये बोलते हो कि जो स्पीड है वो कहते हो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला रहे, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला रहे। फिर एक जो क्रिकेट खेलते हो तो क्रिकेट खेलने में बॉल फेंकी जाती है, तो बॉलर जो बॉल फेंकता है तो उसकी भी स्पीड होती है, तो पूछा जाता है भाई कितनी स्पीड से फेंक रहा है, तो आप बताते हो कि यार ये जो है ना 140 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक रहा है। तो यार ये क्या है स्पीड? तो रेट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को टाइम के रिस्पेक्ट में मेजर कर दो तो वो रेट हो जाता है, किसी भी चीज को टाइम के रिस्पेक्ट में मेजर कर दो तो वो रेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मैंने कहा पर सेकेंड मेरे 2 वर्ड निकल रहे हैं, तो मेरे पढ़ाने की स्पीड क्या हो गई? 2 वर्ड पर सेकेंड। अब तुम लिख रहे हो तो तुमने लिखा, ठीक है, तो 1 सेकेंड में क्या करते हो तुम, 1 सेकेंड में 1 लेटर लिखते हो, तो रेट क्या आया? 1 लेटर पर सेकेंड लिखने की स्पीड हो गई। या 1 सेकेंड में आप 5 लेटर लिखते हो तो 5 लेटर पर सेकेंड ये आपके लिखने की स्पीड हो गई। इसी तरह से तुम स्क्रीन चेंज करके इधर उधर की चीज देख रहे हो, रील देख रहे हो, है ना, तो पीछे से पापा आते 2 थप्पड़ मारते हैं, तो 1 सेकेंड में 2 थप्पड़ पड़ते हैं, तो ये मारने की स्पीड हो गई। ये किसकी स्पीड हो गई? मारने की स्पीड हो गई। तो स्पीड का मतलब समझे, टाइम के रिस्पेक्ट में किसी चीज को मेजर कर दो तो वो रेट हो जाता है, वो रेट हो जाता है। तो यार रेट ऑफ रिएक्शन, अब हम लोग ना तो कोई मारपीट कर रहे हैं, ना तो कोई हम बाइक की रेस कर रहे हैं, और ना हम दौड़ने जा रहे हैं, और ना हम बॉलिंग करने जा रहे हैं। हम किसको पढ़ रहे हैं? हम रिएक्शन को पढ़ रहे हैं। तो जब आप रिएक्शन को पढ़ोगे तो रिएक्शन का रेट होगा, रिएक्टेंट कितनी तेजी से डिसोसिएट हो रहा है उसका रेट होगा। तो जब कोई रिएक्शन होती है उसमें चेंज क्या होता है बताओ? जब कोई रिएक्शन होती है उसमें चेंज क्या होता है? कंसंट्रेशन। जो रिएक्टेंट होता है वो डिक्रीज करता चला जाता है, जो रिएक्टेंट होता है वो डिक्रीज करता चला जाता है, और जो प्रोडक्ट होता है वो इंक्रीज करता जाता है। तो जब कहीं केमिकल रिएक्शन की बात आती है, जब केमिकल रिएक्शन की बात आती है तो रेट किसके रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं? कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में, कंसंट्रेशन पर सेकंड। तो जरा देखो रेट की डिफिनीशन क्या होती है, गौर से सारे बच्चे सुनिएगा, रेट की डिफिनीशन क्या होती है गौर से देखिए। चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, आप चाहो तो इसको पर सेकेंड भी बोल सकते हो। कंसंट्रेशन का चेंज पर सेकंड कितना हो रहा है उसको कहते हैं रेट। रेट किसको बोलते हैं? कंसंट्रेशन के चेंज को, कि पर सेकंड कंसंट्रेशन का कितना चेंज हो रहा है, मतलब
जरा गौर से समझिए मतलब क्या है। जैसे कोई रिएक्शन है ए से बी, ए से बी एक केमिकल रिएक्शन है, क्लियर। तो पहले इसका कंसंट्रेशन कितना था, पहले इसका कंसंट्रेशन कितना था ए, और इसका जीरो, टी इक्वल टू जीरो पे। भाई जब कोई समय पास होगा तभी तो प्रोडक्ट बनेगा, तो जब टी इक्वल टू जीरो था तो इसका कंसंट्रेशन ए नॉट था। अब कुछ समय हो गया तो इसमें से एक्स डिसोसिएट हो गया, तो कितना फॉर्म हुआ एक्स, क्यों, यहां पर भी वन है यहां पर भी वन है, और समय कितना लग गया टी सेकेंड, समय कितना लग गया टी सेकेंड। क्लियर, क्लियर, यहां तक क्लियर है ना सबको, किसी बच्चे को किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो जरा, रिएक्शन थी ए इक्वल टू बी, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट और इसका जीरो टी इक्वल टू जीरो बी, क्यों, जब कुछ समय बीतेगा तभी तो प्रोडक्ट बनेगा, है ना। हमने कहा टी सेकंड रिएक्शन चली, तो टी सेकंड में जितना ये डिसोसिएट होगा उतना ये फॉर्म होगा, क्योंकि यहां पर भी वन है यहां पर भी वन है, तो ये एक्स डिसोसिएट होता है तो ये एक्स फॉर्म होता है, तो ए माइनस एक्स ये। तो बताओ टी सेकंड के बाद रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना है, इतना, टी सेकंड के बाद रिएक्शन का कंसंट्रेशन कितना है, इतना, तो इसको बोलते हैं ए टी। आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन ऑफ ए, आफ्टर टी टाइम या टी सेकेंड कंसंट्रेशन ऑफ ए, ए मतलब रिएक्टेंट, टी सेकेंड के बाद ए का कंसंट्रेशन कितना है, कितना है एटी, एटी बोल दो या बच्चों ए माइनस, आप उसको एटी बोल दीजिए या ए नॉट माइनस एक्स बोल दीजिए। अब बताओ किसका रेट चाहिए आपको, आपको रेट किसका चाहिए, क्योंकि रेट का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन, सॉरी डिवाइडेड बाय टाइम, एक मिनट, चेंज निकालना है तो चेंज हमेशा कैसे निकलता है, फाइनल माइनस इनिशियल से, फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम टेकन, जितना टाइम आपने लिया। तो रेट का जनरल फॉर्म क्या होता है, रेट का जनरल फॉर्मूला है रेट इक्वल टू फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन टाइम टेकन, ठीक। अब आप रेट किसका निकाल रहे हो, ए का कि बी का, क्यों, ए का अपना अलग रेट है बी का अपना अलग रेट है। अब जैसे मैं भाग रहा हूं मेरे साथ तुम भी भाग रहे हो, तो यार मेरे भागने का रेट अलग होगा तुम्हारे भागने का रेट अलग होगा, सेम तो नहीं होगा, तो ए का रेट अलग होगा, रिएक्टेंट का रेट अलग होगा, प्रोडक्ट का रेट अलग होगा, हो सकता है कभी सेम हो कभी अलग अलग हो, है कि नहीं। तो आपसे पूछा गया कि जरा बताओ ए का रेट कितना है, रेट ऑफ ए, तो यदि मुझे ए का रेट निकालना है तो भाई कंसंट्रेशन किसका रखना पड़ेगा, ए का, ए का कंसंट्रेशन फाइनल कितना है, ये फाइनल कितना है ये, तो फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टी, टी कैसे, कितना टाइम लगा, ये फाइनल है ये इनिशियल है, तो यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा बताओ, यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, टी सेकेंड, टी सेकेंड, ये देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है टी। टाइम टेकन का मतलब क्या होता है, टाइम टेकन का मतलब भी यही है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, टाइम टेकन का मतलब क्या है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, और टी इनिशियल की वैल्यू कितनी है जीरो। टाइम टेकन का मतलब क्या है, टी फाइनल ये देखो और टी इनिशियल, इसलिए आंसर क्या आ रहा है टी। तो ये किसका रेट आ गया, ये बच्चों रेट आ गया ए का। अब यदि हम एटी की वैल्यू डाल दें, यदि हम एटी की वैल्यू डाल दें तो ये ऐसे आ गया, तो रेट ऑफ ए कितना बना, जरा देखो आप इसी को और आगे लिखो, तो रेट ऑफ ए बना माइनस एक्स अपॉन टी, चेक करो इससे ये कट गया,
बना कि नहीं बना? रेट ऑफ ए कितना बना? माइनस एक्स अपॉन टी। तो देखो रेट होता क्या है, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। मतलब आपको करना क्या है, रेट का चेंज लिखना है। अब यहां गौर से समझने वाली बात क्या है, जिसका फाइनल और इनिशियल लिखोगे उसी का टाइम लिखोगे, फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इसके रिस्पेक्ट में जो टाइम है वो फाइनल टाइम है, इसके रिस्पेक्ट में जो टाइम है वो इनिशियल टाइम है। तो आपने कंसंट्रेशन चेंज ये वाला लिया है तो टाइम भी ये वाला लोगे, क्यों? इतने कंसंट्रेशन चेंज में इतना टाइम खर्च हुआ है, इतने कंसंट्रेशन चेंज में, फिर से पकड़ो, इतने कंसंट्रेशन चेंज में इतना टाइम खर्च हुआ है। तो रेट इक्वल टू क्या हुआ, C फाइनल माइनस C इनिशियल अपॉन T फाइनल माइनस T इनिशियल। जिसका रेट लिखोगे, बार बार बोल रहा हूं, जिसका रेट लिखोगे मुन्ना उसी का कंसंट्रेशन लिखोगे। आप A का रेट निकाल रहे हो तो A का कंसंट्रेशन लिखोगे, अब आप B का रेट निकाल रहे हो तो B का कंसंट्रेशन लिखोगे। अब बताओ B का फाइनल कंसंट्रेशन, B का फाइनल कंसंट्रेशन X और B का इनिशियल कंसंट्रेशन जीरो। अब टाइम कितना लगा, T माइनस जीरो, तो X बाय T आ गया। ये देखो भाई, B ये है प्रोडक्ट, B का फाइनल कंसंट्रेशन ये, इनिशियल कंसंट्रेशन ये, और टाइम कितना लगा यहां से यहां तक पहुंचने में, T माइनस जीरो, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो ये किसका रेट आया, ये रेट आया बेटा B का। अब यहां गौर से देखो, A रेट, A का रेट कितना है माइनस एक्स अपॉन टी, B का रेट कितना है प्लस एक्स अपॉन टी। दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है, मगर एक में माइनस साइन आ रहा है, एक में प्लस साइन आ रहा है। चेक करो सब लोग, दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है मगर एक में माइनस साइन आ रहा है, एक में प्लस साइन आ रहा है। तो अब गौर से समझो, रेट जो होता है बच्चों वो पॉजिटिव वैल्यू है। वो कैसा है, पॉजिटिव वैल्यू है ऑलवेज, ऑलवेज। पहला पॉइंट, रेट जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू होता है। तो फिर ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस मुन्ना रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, मुन्ना कंसंट्रेशन के चेंज को। ये जो माइनस होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, माइनस साइन जो होता है और जो प्लस साइन होता है वो रिप्रेजेंट करता है चेंज इन कंसंट्रेशन को। वो किसको रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन कंसंट्रेशन को, कि कंसंट्रेशन जो चेंज हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है ड्यूरिंग प्रोसेस, इंक्रीज है या डिक्रीज है ड्यूरिंग रिएक्शन। ड्यूरिंग रिएक्शन, रिएक्शन होने पर रेट, रिएक्शन होने पर कंसंट्रेशन बढ़ रहा है या कंसंट्रेशन कम हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है माइनस साइन और प्लस साइन। रेट ऑलवेज पॉजिटिव है, रेट ऑलवेज पॉजिटिव है। तो अब आप चेक करो, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है, एक्स अपॉन टी, एक्स अपॉन टी। ए का जो रेट है वही रेट बी का आया है। चेक करो भाई, ए की वैल्यू कितनी है, रेट ऑफ ए आपने निकाला है माइनस एक्स अपॉन टी, रेट ऑफ बी आपने निकाला है प्लस एक्स अपॉन टी। इसका मतलब दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है। चेक करो, न्यूमेरिकली रेट इक्वल है। ये देखो, सिर्फ ये बताया जा रहा है आपको कि ए जो है वो टाइम के साथ साथ अपने कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर रहा है, बी जो है वो टाइम के साथ अपने कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहा है। ए क्या है, रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट टाइम के साथ रिएक्शन होगी तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। बी क्या है, प्रोडक्ट, तो टाइम के साथ ये बनेगा तो इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। इसका मतलब यहां पर साफ निकल के आ गया कि ए का रेट बी के रेट के बराबर है न्यूमेरिकली,
ए का रेट बी के रेट के बराबर है, चेक करो जितना ए का आ रहा है उतना बी का आ रहा है, और रिएक्टेंट वाले में माइनस लग रहा है, प्रोडक्ट वाले में प्लस लग रहा है, चेक करिए ए के रेट में क्या लग रहा है माइनस, बी के रेट में क्या आ रहा है प्लस, इसका मतलब रिएक्टेंट में माइनस लग रहा है, बी में प्रोडक्ट में प्लस लग रहा है। क्या सभी बच्चे इस बात को पकड़ पाए हैं मुन्ना? क्या? अब देखो मैं इसको समराइज कर देता हूं एक लाइन में। रेट क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, है ना। चेंज इन कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे? सी फाइनल माइनस सी इनिशियल डिवाइडेड बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। जिसका कंसंट्रेशन लोगे उसी का रेट आएगा, जिसका कंसंट्रेशन लोगे उसी का रेट आएगा। दूसरी बात, जिस टाइम ड्यूरेशन का कंसंट्रेशन ले रहे हो उसी टाइम ड्यूरेशन को रखना है, यहां से यहां तक का कंसंट्रेशन ले रहे हो तो यहां से यहां तक का टाइम भी लेना है ना, यहां से यहां तक का टाइम भी लेना है। अब हम लोगों को दो बातें क्लियर हुई। क्या? रेट की डिफिनीशन है चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम या पर सेकंड, पर यूनिट टाइम, सेकंड भी हो सकता है, आवर भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है। अच्छा, दूसरा ये कि रिएक्टेंट के रेट में माइनस आएगा, प्रोडक्ट के रेट में प्लस आएगा। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट टाइम के साथ अपने कंसंट्रेशन को डिक्रीज करता है, प्रोडक्ट टाइम के साथ अपने कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है, इसलिए रिएक्टेंट के रेट में माइनस आ रहा होगा, प्रोडक्ट के रेट में प्लस आ रहा होगा। और माइनस साइन जो होगा वो रेट के लिए नहीं है, वो ये बता रहा है कि टाइम के साथ कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि रेट ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू होता है, निगेटिव वैल्यू नहीं होता है। अच्छा, अब यहां पर रेट आया है बराबर। अब मैं एक और रिएक्शन देता हूं, अब आपसे पूछता हूं, यहां पर जरा चेक करके देखो, यहां पर जरा चेक करके देखो बच्चों, ये देखो मैंने रिएक्शन लिखी ऐसे, यह मान लो ऐसे है, ये देखो। अब इसकी इनिशियल वैल्यू ए नॉट, इसकी जीरो, टी इक्वल टू जीरो पे, आफ्टर टी सेकेंड ए नॉट माइनस एक्स, एक्स After t second, क्लियर? ये क्या हो गया at after t time concentration of a, after t time concentration of a, क्लियर है बच्चों? बच्चों ने कहा सर बिल्कुल क्लियर है। मैंने कहा अच्छा, अब मैंने कहा a का रेट लिखो, तो रेट ऑफ a कैसे लिखोगे? c final माइनस c इनिशियल T final माइनस T इनिशियल। C final कितना है? फाइनल ये है AT, इनिशियल कितना है A नॉट। जब कंसंट्रेशन ये फाइनल है तो इसके रिस्पेक्ट में टाइम कितना है T, जब इनिशियल ये है तो इसके रिस्पेक्ट में टाइम कितना है जीरो। तो ये आ गया हमारा क्या, AT माइनस A नॉट डिवाइडेड बाय T। अब आपने क्या किया, at की वैल्यू डाल दी। देखो यहां पर आप लोगों ने मुझे बताया नहीं, एक बात गलत लिख गई है, एक बात गलत लिखी है, आप में से किसी ने नहीं बताया मेरे को। भाई जब इसके दो मोल ब्रेक होते हैं तो इसका एक मोल फॉर्म होता है, तो जब इसका 2x ब्रेक होगा तो इसका x फॉर्म होगा, तो यहां पर 2x लिखना था, है ना। तो ये आ गया, अब वैल्यू डाल दो। तो जब आपने वैल्यू डाली तो a नॉट माइनस 2x माइनस a नॉट डिवाइडेड बाय t, ये कैंसिल हो गया। तो जरा देखो a का रेट कितना आ गया, a का रेट आ गया माइनस 2x बाय t, आ गया। बच्चों ने कहा हां सर आ गया। मैंने कहा जरा b का रेट निकालो, तो रेट ऑफ b निकला सी फाइनल, सी फाइनल कितना है ये माइनस सी इनिशियल, टी फाइनल जब फाइनल कंसंट्रेशन तो फाइनल टाइम, इनिशियल कंसंट्रेशन इनिशियल टाइम, एक्स अपॉन टी, ये आ गया। अब जरा सारे बच्चे गौर से देखें, सभी के सभी बच्चे गौर से देखेंगे और फिर इस बात को अपने आप समझ जाएंगे कि मैं कह क्या रहा हूं। देखो बच्चों, b का रेट आया है x अपॉन t, a का रेट आया है 2x अपॉन t। इसका मतलब यदि x अपॉन t की जगह मैं b लिख दूं, भाई x अपॉन t की जगह क्या लिख सकते हो b, रेट तो बराबर है,
माइनस साइन तो कंसंट्रेशन को चेंज कर रहा है। अब चेक करो भाई, एक्स अपॉन टी की जगह क्या लिख सकते हो, रेट ऑफ बी। ये देखो, अब इसको पढ़ के सुनाओ, ए का रेट बी के रेट का डबल है, यहां पे बराबर नहीं आया है, ए का रेट बी के रेट का डबल है। अब जरा ये चेक करो, ए का कॉफिशियंट बी के कॉफिशियंट से डबल है, यहां चेक करो कितना कॉफिशियंट है, ए टू का वन, और यहां पे कितना कॉफिशियंट है ये, तो यहां ए टू है, सॉरी यार एक मिनट रुक जाओ, ये ए टू लिखा है, मैं इसको बार बी लिख गया हूं, ए टू, ए टू। अच्छा यदि मैं इस बात को ऐसा लिख दूं तो कोई बच्चा बुरा मानेगा, ये देखो ऐसे, और यहां माइनस था तो इसके साथ माइनस लगा दिया, इसके साथ प्लस, रिएक्टेंट के साथ माइनस और प्रोडक्ट के साथ प्लस। अब आप इस बात को जरा गौर से समझिएगा, ये जो मैंने लिखा है, मैं एक एक करके सारी बातें समझाता हूं, काम की बातें, ठीक है। अच्छा देखो, जो इनके कॉफिशियंट में रिलेशन है वही इनके रेट में रिलेशन है। चेक करो, ए के मोल क्या है, ए टू के मोल का डबल है कि नहीं, ए टू के कितने मोल हैं, ए के कितने मोल हैं, दो, तो ए टू के मोल का डबल है ए का मोल, वही रिलेशन रेट में आया है। चेक करो, ए का रेट ए टू के रेट का डबल है, तो जो रिएक्शन कॉफिशियंट का रिलेशन होगा वही उनके रेट के बीच में रिलेशन होगा। चेक करना, मैं यही पॉइंट पढ़ाने के लिए इतनी देर से ये कर रहा था। चेक करो, इनके कॉफिशियंट बराबर है, देखो रेट बराबर है, कहां आया है ये देखो, रेट बराबर है। अब इनके कॉफिशियंट में क्या रिलेशन है, इसका कॉफिशियंट क्या है, डबल है, किसके, इससे, यहां वन लिखा है यहां टू लिखा है, तो ए का कॉफिशियंट डबल है तो ए का रेट भी डबल है, किससे, ए टू से। चेक करो, ए का रेट भी डबल है ए टू से, तो जो उनके कॉफिशियंट के बीच में रिलेशन होगा वही उनके रेट में रिलेशन होगा। अब यह बात ध्यान रखना, इससे क्या होगा, इससे बिना पेन चलाए क्वेश्चन हो जाएगा, इससे होगा क्या, इससे बिना पेन चलाए क्वेश्चन हो जाएगा, इससे बिना पेन चलाए क्वेश्चन हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट समझो, देखो रेट ऑफ ए डिवाइडेड बाई टू, रेट ऑफ ए टू डिवाइडेड बाई वन, ये आपस में बराबर है। चेक करो, ये आपस में बराबर है। अब टू क्या है, चेक करो, टू इसका कॉफिशियंट है, वन क्या है, वन इसका कॉफिशियंट है, मतलब इंडिविजुअल रेट डिवाइडेड बाय उसका कॉफिशियंट, इंडिविजुअल रेट डिवाइडेड बाय उसका कॉफिशियंट आपस में हमेशा बराबर होते हैं। इंडिविजुअल रेट डिवाइडेड बाय उसके कॉफिशियंट का रेशियो ऑलवेज कॉन्स्टेंट होता है, बराबर होते हैं। देखो इंडिविजुअल रेट, रेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय उसका कॉफिशियंट किसके बराबर है, इंडिविजुअल रेट ऑफ ए टू डिवाइडेड बाय उसके कॉफिशियंट के, डिवाइडेड बाय उसके कॉफिशियंट के। चेक कर लो, आप चेक कर लीजिए। तो अब चार से पांच पॉइंट हमारे दिमाग में आए इतनी देर से जो मैंने पढ़ाया ना 20-25 मिनट में, अब उसका सीएसडी देखो कि कितनी बातें आपको दिमाग में हमेशा याद रखनी है। अब मैं इसका सीएसडी देने जा रहा हूं, अब मैं इसका सीएसडी देने जा रहा हूं आप सबको, आपको इतना याद रखना है, मतलब ये बात जो मैं लिखने जा रहा हूं ये आपका कॉन्सेप्ट है, इसको आपको दिमाग में फीड करके रखना है, और ये बिल्कुल बुक जैसा नहीं होगा, ध्यान रखना, बुक नहीं पढ़ाता हूं मैं। तो पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि जो रेट होता है, जो रेट होता है वो क्या होता है, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। रेट की डेफिनेशन क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिखूंगा रिवीजन करने में, है ना। रेट क्या होता है, रेट होता है चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। आपको पूरे चैप्टर में ये चीज बस रिवाइज करनी है, बस ये जो सीएसडी सीएसडी टू है, पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाएगा अपने आप, सारे कॉन्सेप्ट लिखे होंगे, सारी थ्योरी लिखी होगी, सारे मेन पॉइंट लिखे होंगे। अच्छा अब सपोज करो कोई रिएक्शन ऐसे है, ऐसे है,
यस है। तो आप क्या क्या लिख सकते हो, गौर से देखो। पहला पॉइंट क्या लिख सकते हो, मैंने आपको पढ़ाया कि इंडिविजुअल रेट, अभी मैंने प्रूफ करके दिखाया, रिएक्टेंट है तो माइनस, इंडिविजुअल रेट और उसके कॉफिशियंट का रेशियो बराबर होगा हमेशा पूरी रिएक्शन के, रिएक्टेंट में माइनस, प्रोडक्ट में प्लस। इंडिविजुअल रेट, रेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय उसका कॉफिशियंट का रेशियो बराबर हुआ रेट ऑफ बी डिवाइडेड बाय उसके कॉफिशियंट के। रेट आपस में बराबर नहीं होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इंडिविजुअल रेट डिवाइडेड बाय उसके कॉफिशियंट का रेशियो आपस में बराबर होता है। देखो, इंडिविजुअल रेट, रेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय उसका कॉफिशियंट, रेट ऑफ बी डिवाइडेड बाय उसका कॉफिशियंट, ये रेशियो आपस में बराबर होता है, ये रेशियो आपस में बराबर होता है। अब अगला पॉइंट जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जो अभी मैंने पढ़ाया था, अभी मैंने पढ़ाया है, वो क्या है, वो ये है, वो ये है, किसी भी रिएक्शन में जो रिलेशन उनके कॉफिशियंट के बीच में होता है वही रिलेशन उनके रेट के बीच में होता है। गौर से देखिएगा जो मैं पॉइंट लिख रहा हूं, है ना, बैलेंस रिएक्शन में जो रिलेशन स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशियंट के बीच में होता है, बीच में होता है वही रिलेशन, बिल्कुल व्हाट्सएप वाली और देसी लैंग्वेज में लिख रहा हूं, वही रिलेशन रेट के बीच में होता है, रेट इंडिविजुअल रेट के बीच में होता है, इंडिविजुअल रेट के बीच में होता है। अब इस बात को गौर समझो, ये क्या कह रहा है, यदि ए का कॉफिशियंट बी से डबल है तो ए का रेट भी बी से डबल होगा, वो ये कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कहीं ऐसे लिखा है तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है कि ए का कॉफिशियंट बी से डबल है, तो तुम अपने आप लिख सकते हो, तुम तुरंत लिख दो कि यार जो ए का रेट होगा ना वो भी बी से डबल होगा। ए का कॉफिशियंट क्या है, बी से डबल, तो ए का रेट भी बी से डबल होगा। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपको देखना है कैसा लिखना है, आपको देखना है कैसा लिखना है। रिएक्टेंट के साथ हमेशा माइनस, प्रोडक्ट के साथ हमेशा प्लस। तो ये देखो, मैंने जो सीएसडी वन में इतने पॉइंट पढ़ाए हैं, ये आपको सिर्फ याद रखने, जितना मैंने बताया सब का सब यहां पे लिख दिया है शॉर्टकट। अब आपको सिर्फ इतना सा पेज याद रखना है कि रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, फार्मूला क्या होता है, सी फाइनल माइनस सी इनिशियल, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। किसी भी बैलेंस रिएक्शन में इंडिविजुअल रेट डिवाइडेड बाय उसका कॉफिशियंट, इंडिविजुअल रेट डिवाइडेड बाय उसका कॉफिशियंट का रेशियो हमेशा बराबर होता है। रिएक्टेंट में माइनस लगेगा, प्रोडक्ट में प्लस लगेगा। यदि कोई रिएक्शन बैलेंस है तो उसके जो कॉफिशियंट के बीच में रिलेशन होगा वही उनके रेट के बीच में होगा। बस इतने चार पॉइंट याद करो, बस खत्म हो गया बात, बात खत्म हो गई। और ये नीचे क्या आ रहा है, देखो नीचे क्या है, ये कॉफिशियंट है, नीचे क्या है उसका कॉफिशियंट, चेक करो है, क्लियर है मुन्ना, क्लियर है, बस खत्म कॉन्सेप्ट। अब मैं बस क्वेश्चन पे आने वाला हूं, रेट का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, रेट का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, रेट का कॉन्सेप्ट खत्म। अब यदि मैं पूछ दूं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है तो क्या तुम बता पाओगे, अभी वो भी पूछूंगा, पहले इंडिविजुअल रेट पढ़ा लो, है ना, फिर रेट ऑफ रिएक्शन भी पढ़ा देता हूं, या चलो पढ़ा ही देता हूं, बताओ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है भाई। ये तो आपने इंडिविजुअल रेट बताया, रिएक्शन का रेट क्या है, ये तो इंडिविजुअल रेट था, जैसे ये रिएक्शन है, गौर समझिए। बच्चे सोच रहे होंगे सर क्वेश्चन में क्यों नहीं आ रहा है, क्वेश्चन में बस थ्योरी खत्म होगी, देन क्वेश्चन में आएंगे। अब जरा देखो यार बच्चों, जैसे ये रिएक्शन है,
अब मैं पूछूं बताओ तो आप क्या कहोगे, कॉफिशियंट के बीच में क्या रिलेशन है? ए का कॉफिशियंट 2 है, बी का 1, इसका मतलब ए का रेट भी क्या होगा, बी के रेट का डबल होगा। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि जो ए का रेट होगा डिवाइडेड बाय उसका कॉफिशियंट बराबर होगा बी का रेट डिवाइडेड बाय उसका कॉफिशियंट। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल रेट डिवाइडेड बाय उसका कॉफिशियंट का रेशियो ऑलवेज बराबर होता है। आप ये दो बातें लिख सकते हो। अब इसमें से ये क्या है, ये तो रिएक्टेंट का रेट है, ये क्या है, ये प्रोडक्ट का रेट है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? तो अब गौर समझो, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, गौर समझना। ये जो चीज है ना, इसको कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ये जो चीज है, क्यों, ये देखो सबकी बराबर है। इंडिविजुअल रेट में जब कॉफिशियंट से डिवाइड कर दोगे तो वो रेट ऑफ रिएक्शन बन जाएगा और वो सबका बराबर होगा। ये आपस में बराबर है कि नहीं? तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंडिविजुअल रेट में जब उसके कॉफिशियंट से डिवाइड कर दो तब वो रेट ऑफ रिएक्शन बन जाता है। और उसको क्या बोलते हैं, आप चेक करो, गौर सुनना। 2 मोल का रेट आर ए, तो 1 मोल का रेट क्या होगा, आर ए डिवाइडेड बाई 2। 1 मोल का रेट आर बी, 1 मोल का रेट क्या होगा, आर बी डिवाइडेड बाई 1। तो 1 मोल या 1 मोलर कंसंट्रेशन चेंज को रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, देखो मैं लिख के दे रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर लिख लो, या 1 मोलर या 1 मोल कंसंट्रेशन चेंज पर यूनिट टाइम। एक मोल के कंसंट्रेशन के चेंज के रेट को रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। 1 मोल के, देखो यहां 2 मोल थे या 2 कंसंट्रेशन था, तो 2 के कंसंट्रेशन का चेंज आर ए, 1 का क्या हुआ, आर ए डिवाइडेड बाई 2। 1 मोल का चेंज आर बी, 1 का क्या हुआ, आर बी डिवाइडेड बाई 1। तो जो ये रेशियो जो निकाल रहे हो ना, यही रेट ऑफ रिएक्शन है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन अलग चीज है, इंडिविजुअल रेट अलग चीज है। रेट ऑफ रिएक्शन होता है इंडिविजुअल रेट डिवाइडेड बाय उसका स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। और ये मिलके आता है क्या, 1 मोल का रेट, 1 मोलर कंसंट्रेशन का रेट। तो रेट ऑफ रिएक्शन इस रेशियो को बोलते हैं, आर ओ आर, रेट ऑफ रिएक्शन इस रेशियो को बोलते हैं। तो इसी में मैं एक बात और बढ़ा देता हूं, सॉरी वो मेरा पॉइंट कहां गया, ये देखो सीएसडी, इसी में बच्चों एक पॉइंट और बढ़ा देता हूं आपके लिए, वो क्या है, इसमें जगह है, चलो इसको पहले पूरा हटा देता हूं, एक मिनट, इसी में एक पॉइंट बढ़ा देता हूं तो आपका सारा कॉन्सेप्ट एक जगह पे आ जाएगा, है ना, इस सारा कॉन्सेप्ट एक जगह पे आ जाएगा। भाई थोड़ा ऊपर चले जाओ, तो ज्यादा ऊपर चला गया, रुक जाओ, अब तो फंस जाएगा मामला, नहीं ठीक है, हाँ इतना रुको, थोड़ा ज्यादा आ गया है, अब देखें, अब सही है। अब जरा देखो बच्चों, अब यहां पे मैं लिख देता हूं रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन देखो कैसे निकाला जाता है, मान लो कोई रिएक्शन ये है,
बैलेंस रिएक्शन है। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा इंडिविजुअल रेट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट, रेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट, रेट ऑफ बी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट, रेट ऑफ सी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट। अब कोई बच्चा बता सकता है कि ए और बी के नीचे माइनस क्यों लगा है, सी पे प्लस क्यों लगा है? बताओ भाई, सारे बच्चे कमेंट करके बताए, सारे बच्चे कमेंट करके बताए, नहीं तो बहुत मारे जाओगे, बहुत मारे जाओगे। ए के आगे माइनस क्यों लगा है, बी के आगे माइनस क्यों लगा है, सी के आगे प्लस क्यों लगा है? क्यों? ये रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज और प्रोडक्ट का इंक्रीज। बस इतनी देर में जो पढ़ाया है ना उसमें तुम्हें इतनी बातें सिर्फ ध्यान रखनी है, इतनी बातें बस। सारा क्वेश्चन इन पॉइंटों से सॉल्व हो जाएगा। अब मैं क्वेश्चन पे आऊंगा, सारे क्वेश्चन एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चन। तो चलो पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन लिखते हैं। देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोग पढ़ लेते हैं। द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन CCl4 एट 318 केल्विन हैव बीन स्टडी बाय, है ना? ठीक है, मेंटेनिंग पता नहीं क्या क्या लिख रहा है, आप यहां से देख लो। द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इन द सॉल्यूशन इनिशियली, द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इज इतना, इनिशियल में कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 कितना है, इतना है, ये देखो। एंड आफ्टर इतने मिनट इज रिड्यूस टू इतना, फिर कितना हो जाता है, इतना हो जाता है। अब किसका कंसंट्रेशन है, द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। तो जब कंसंट्रेशन N2O5 का दिया है कि पहले कितना था और 184 मिनट के बाद कितना है, तो रेट किसका निकलेगा? भाई जिसका कंसंट्रेशन का चेंज दिया होगा उसी का तो रेट निकलेगा। तो रेट निकल के आएगा N2O5 का। वो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ दिस रिएक्शन इन टर्म ऑफ आवर मिनट एंड सेकेंड। वो कह रहा है आवर में निकालो, मिनट में निकालो और सेकंड में निकालो। अब एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट अभी मैंने नहीं पढ़ाया है, आप सिर्फ रेट निकाल दो। तो मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया, किसका रेट निकालना है, N2O5 का। तो N2O5 का फाइनल कंसंट्रेशन, N2O5 का इनिशियल कंसंट्रेशन और उसमें लगा टाइम। अब बताओ रेट माइनस आएगा कि प्लस, पहले ये बताओ रेट का साइन कैसा आएगा, माइनस। क्यों माइनस क्यों आएगा? माइनस इसलिए आएगा क्योंकि ये रिएक्टेंट है। अब फाइनल कितना है, तो फाइनल कंसंट्रेशन है ये 2.08, इनिशियल कितना है 2.33 और टाइम कितना लगा 184 मिनट। जब टाइम की यूनिट मिनट है तो मोल पर मिनट आएगा, है ना, मोल पर लीटर पर मिनट आएगा। तो यार आपने रख दिया 184 मिनट। अब तो रेट आ गया और ये किसमें आएगा, माइनस में। तो देखो रेट कितना आया, इसके लिए मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज कर ले रहा हूं, आप लोग मत यूज करिए, है ना, यहां हम टाइम बचा रहे हैं भाई, समझ में आ रहा है, टाइम बचा रहे हैं, 184 है। तो रेट आ गया माइनस 1.35 इंटू 10 रेस्ट की पावर माइनस 3। यूनिट क्या है, मोल, ठीक है, यूनिट मैं इधर लिखता हूं, यूनिट मैं इधर लिखता हूं, ये देखो यूनिट क्या है, यूनिट आ रही है मोल, लीटर एंड मिनट। देखो आपने जो टाइम की वैल्यू डाली है वो मिनट में डाली है, तो मिनट। अब वो कह रहा है रेट सेकंड और आवर में बताओ, तो जब टाइम सेकंड में डालोगे तो सेकंड में आ जाएगा, जब टाइम आवर में डालोगे तो आवर में आ जाएगा। अब सेकंड कैसे बनाओगे, 60 का मल्टीप्लाई कर दोगे, मिनट से सेकंड में जाने में 60 का मल्टीप्लाई। आवर कैसे बनाओगे, मिनट से आवर आने में 60 का डिवाइड। तो ये देखो आ गया आपका रेट ऑफ
N2O5। कैसे निकाला भाई? N2O5 का कंसंट्रेशन चेंज दिया था, और उस कंसंट्रेशन चेंज में कितना टाइम लगा वो दिया था, डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ। अब कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि NO2 का रेट कितना होगा और O2 का रेट कितना होगा? यह क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, मगर यह मैं पूछ रहा हूं। आप बताओ रेट ऑफ NO2, और बिना पेन चलाए बताओ। तुम बिना पेन चलाए तभी बता पाओगे जब मेरी बातें आपने पिछले बार सुनी होंगी। मैंने आपको कहा था मैं बुक के कॉन्सेप्ट नहीं लिखता हूं, है ना, क्योंकि बुकों में बहुत टफ टफ दिया होता है। अब बताओ NO2 का रेट बताओ बिना पेन चलाए। अच्छा देखो, इनके बीच में क्या रिलेशन है? कॉफिशियंट। जो कॉफिशियंट का रिलेशन वही रेट का रिलेशन है कि नहीं? तो कॉफिशियंट क्या है? डबल, तो रेट भी डबल होगा। इसका मतलब इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, बस इसका रेट आ गया। अब ये क्या है? प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट प्लस आएगा, ये लो इसका रेट इतना आएगा। क्यों? कॉफिशियंट क्या है? डबल, तो रेट भी डबल होगा। अच्छा यहां देखो क्या लिखा है, ये 2 लिखा है, ये 1 लिखा है। कॉफिशियंट क्या है? आधा, ये 2 है, ये 1 है, तो कॉफिशियंट आधा, तो रेट भी आधा। इसमें 2 से डिवाइड कर दो बिना पेन चलाए। एक तरीका ये है, एक तरीका ये हुआ। अब कोई बच्चा चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकता था, मेथड एक मैंने ये बताया, बस समझ के कैसे कर सकते थे भाई। हमें इसका रेट मिल गया, तुम किसी का भी रेट निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो उनके कॉफिशियंट का रिलेशन है वही उनके रेट का रिलेशन है। कॉफिशियंट डबल हो रहा है तो रेट भी डबल होगा, कॉफिशियंट आधा हो रहा है तो रेट भी आधा होगा। एक तरीका यह है। अब कोई कहे नहीं हम तो दूसरे तरीके से निकालेंगे, तो आप दूसरा तरीका यूज कर लो। कौन सा? वही जो आप हमेशा करते आए हो। आपको भाई N2O5 का रेट मिल गया है, तो N2O5 डिवाइडेड बाय उसका कॉफिशियंट, N2O5 का रेट डिवाइडेड बाय उसका कॉफिशियंट। अब आपने कहा इसका निकालो, तो रेट ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय उसका कॉफिशियंट। अब इसमें देखो पेन चलाना पड़ रहा है थोड़ा ज्यादा, और मैं तो और मक्कार हूं, मैं तो पेन ही नहीं चलवाना चाहता आपसे, मैं तो आपसे पेन ही नहीं चलवाना चाहता हूं। आएगा आंसर वही, साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट है। ये देखो वही चीज आई, मगर अब इतना पेन चलाना पड़ गया, और आपके लिए टाइम बहुत कीमती है, क्योंकि आप लोग मेडिकल के स्टूडेंट हो, वहां टाइम का बहुत कीमती है। चेक करो यही आ रहा है, और मैंने भी तो यही निकाला है। ओ सॉरी, ए भाई इतनी ब्लंडर मिस्टेक कैसे कर रहा हूं? डिवाइड करोगे तो 2 ऊपर आएगा, हमने 2 नीचे टांग दिया है, है ना। देखो आ रहा है, और यहां पर भी वही आया है। तो कॉन्सेप्ट समझ पाए? जो कॉफिशियंट के बीच में रिलेशन है वही रेट के बीच में रिलेशन है। रिएक्टेंट के लिए माइनस लगाइएगा, प्रोडक्ट के लिए प्लस लगाइएगा। कॉफिशियंट हमेशा क्या होता है? रेट के नीचे आता है। बात समझ के कैसे करोगे? कर लोगे? अब तुम जिद कर रहे हो। ना 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 सर, मैं और क्वेश्चन करूंगा, मैं मानूंगा नहीं, मैं बहुत जिद्दी हूं, मैं और क्वेश्चन करूंगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूं, डिट्टो वही है। For the reaction R equal to P, the concentration of a reactant change, किसका चेंज है? Reactant का। तो रेट भी किसका निकलेगा? Reactant का निकलेगा। 0.3 m to 0.2 m in 25 मिनट, calculate the rate of reaction using of the time both in minute and second। मिनट में रेट निकालना है, सेकंड में रेट निकालना है, ठीक है? डिट्टो सेम क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क, इसको आप घर से करोगे। मैं अगली क्लास में जब भी कराऊंगा डिस्कस करूंगा। अब इसको पढ़ो। इन ए रिएक्शन 2A, इंटेक्स क्वेश्चन है। इन ए रिएक्शन 2A इक्वल टू प्रोडक्ट, द कंसंट्रेशन ऑफ A, किसका कंसंट्रेशन है? A का, तो रेट भी किसका आएगा? रेट भी किसका आएगा? अच्छा बात पकड़ रहे हो ना, कि अकेले हम ही दौड़ लगाए पड़े हैं, समझ रहे हो? रेट भी किसका आएगा? A का आएगा। फ्रॉम इतना टू इतना इन मिनट कैलकुलेट द रेट, तो ये भी क्या होगा? निकाल लोगे, ये भी HW है,
तो ये दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके आओगे, नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। क्लियर? क्लियर है? तो क्या आप लोगों को ये बात डिस्कस हो गई ना, समझ गए हो सारी बातें, समझ गए हो? एक बार मैं समराइज करा दूं जल्दी से, क्या रेट क्या होता है? रेट क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। जो कंसंट्रेशन का चेंज लोगे उसी के रिस्पेक्ट में टाइम लोगे, है ना। फिर यदि कोई रिएक्शन बैलेंस है तो इंडिविजुअल रेट डिवाइडेड बाय उसके कॉफिशियंट का रेशियो आपस में बराबर होता है। इंडिविजुअल रेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय उसका कॉफिशियंट, इंडिविजुअल रेट ऑफ बी डिवाइडेड बाय उसका कॉफिशियंट। रिएक्टेंट के आगे माइनस लगेगा और प्रोडक्ट के आगे प्लस लगेगा। माइनस और प्लस ये दिखाते हैं कि जब रिएक्शन हो रही है तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है या घट रहा है, रेट को रिप्रेजेंट नहीं करते क्योंकि रेट तो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू है। जो उनके स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशियंट के बीच में रिलेशन होता है वही उनके रेट के बीच में होता है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? इंडिविजुअल रेट डिवाइडेड बाय उसके कॉफिशियंट के रेशियो को रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। इसका मतलब होता है कि पर मोल कंसंट्रेशन चेंज या पर मोल रेट ऑफ रिएक्टेंट या पर मोल रेट ऑफ प्रोडक्ट, एक मोल में कितना रेट है उसको कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। फिर मैंने आपको क्वेश्चन कराया, अब इस क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे बिना पेन चलाए देंगे, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। डायरेक्ट आंसर लिखोगे, चाहो तो पेन चला सकते हो, मैं तो बस इसलिए डायरेक्ट आंसर लिखने कह रहा हूं जैसे आप लोगों की स्पीड थोड़ी अच्छी रहे, है ना, पेपर है। अब डायरेक्ट आंसर लिखो, 3Br2 plus 6OH negative 5Br negative BrO3 negative 3H2O, rate of formation of BrO3 negative is इतना, इसका रेट दिया है। अब पूछ किसका किसका रहा है, देख लो। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Br2, देखो जो प्रोडक्ट डिके हो रहा है तो डिसअपीयरेंस हुआ, जो फॉर्म हो रहा है वो अपीयरेंस है। तो बताओ अब आपको इसका रेट पूछ रहा है और इसका रेट दिया है, तो यहां कॉफिशियंट का क्या रिलेशन है? ये एक, ये तीन, इसका मतलब ट्रिपल, इसका कॉफिशियंट ट्रिपल है तो रेट भी ट्रिपल होगा। आप चाहें तो डायरेक्ट आंसर लिख दें ऐसे, कॉफिशियंट ट्रिपल है रेट भी ट्रिपल होगा। और नहीं मान लो कोई कहता नहीं सर हमें यह बात नहीं समझ में आई, तो यार आपको यह भी तो पढ़ाया है कि रेट और उसके कॉफिशियंट का रेशियो जो है वो आपस में बराबर होता है। रिएक्टेंट का रेट है तो माइनस होगा, रेट और उसके कॉफिशियंट का रेशियो आपस में बराबर होता है, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, इसका कॉफिशियंट वन। अब आप ले लो यार, निकाल लो, देखो वही आएगा, ये देखो आया वही, आया वही, देखो है ये लो, है ना। मैं तो डायरेक्ट लिख देता हूं। अब निकालो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, इसका रेट, कॉफिशियंट क्या है? पांच गुना, तो रेट भी पांच गुना होगा। साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट है। ओएच, ओएच कहां है? ये क्या है? रिएक्टेंट। रेट कितना? छह गुना, इसका कॉफिशियंट छह गुना हो रहा है तो रेट भी छह गुना, और रिएक्टेंट है तो माइनस, रिएक्टेंट है तो माइनस। हाँ भाई कुछ समझ पा रहे हो कि अकेले हम ही डटे पड़े हैं? तुम भी हो ना साथ में, तुम भी हो ना, सही है? मस्त चल रहा है, मस्त चल रहा है। अब तुम्हारा मन कर रहा है कि सर मैं क्वेश्चन करूंगा, तो मैंने कहा करो। तुम्हारा क्या मन कर रहा है कि मैं क्वेश्चन करूंगा, तो करो, आंसर बताओ। सारे बच्चे आंसर बताएं जल्दी से, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक गैसियस हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन 2A इक्वल टू 4B प्लस C इज कैरिड आउट इन ए क्लोज वेसल, द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज फाउंड टू बी इंक्रीज बाय इतना। अब देखो वो कह रहा है रिएक्शन के दौरान बी का कंसंट्रेशन इतना बढ़ा है, ये इंक्रीज बाय है, इसका मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन है। भाई पहले भी कितना होगा? जीरो, और फिर टी सेकंड में कितना बढ़ गया? इतना, दस सेकंड में इतना बढ़ गया। द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, तो बताओ रेट क्या होगा, कैसे निकालोगे? किसका रेट पूछ रहा है? बी का। तो जिसका रेट पूछ रहा है उसका चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम,
कंसंट्रेशन में कितना चेंज आता है, सी फाइनल माइनस सी इनिशियल। अब बताओ फाइनल कंसंट्रेशन ये, इनिशियल कितना है जीरो, प्रोडक्ट है, टाइम कितना लग रहा है 10 सेकेंड। साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव क्यों आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट है। और किसका रेट आएगा, बी का। क्यों, क्योंकि बी के कंसंट्रेशन का चेंज दिया है। यदि मैं बी के कंसंट्रेशन का चेंज देके ए का रेट पूछता तो क्या निकालते हैं? बताओ कोई बच्चा मुझे ए का रेट बता सकता है, साइन माइनस, क्यों, रिएक्टेंट। बी का रेट आपने निकाल लिया। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा और टफ करता, मैं कहता द रेट ऑफ डिस अपियरेंस ऑफ ए इज, तो कंसंट्रेशन चेंज किसका है, बी का, तो रेट भी बी का निकलेगा। अब तुम पूछ ए का रेट, तो पूरी रिएक्शन में किसी एक का रेट निकल आए तो सबका निकल आता है। कैसे, दो रास्ते, चाहे तो कॉफिशियंट का रेशियो वाला कॉन्सेप्ट लगा लो, और चाहे इंडिविजुअल रेट डिवाइडेड बाय कॉफिशियंट बराबर इंडिविजुअल रेट डिवाइडेड बाय कॉफिशियंट कर लो। अब देखो यहां क्या है, ये चार है ये दो है, ए का कॉफिशियंट कितना है आधा, तो रेट भी आधा होगा। ए का कॉफिशियंट कितना है आधा, तो रेट भी आधा होगा। और नहीं मानते हो तो आप उस मेथड से कर लो जो आपको बुकों में पढ़ाया जाता है। ये लो, रेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय कॉफिशियंट, रेट ऑफ बी डिवाइडेड बाय कॉफिशियंट। तो रेट ऑफ ए देखो वही आ रहा है, वही आ रहा है कि नहीं, चेक करो। रेट ऑफ बी आपको दिया है, रख दो, रेट ऑफ ए आ जाएगा, सही है। अब इस क्वेश्चन को देखो, मैंने क्वेश्चन पलट दिया। मतलब कितने तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, करो। द रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस इन द डिफरेंट वे एज फॉलोइंग, रेट दिया है, रेट ऑफ सी डिवाइडेड बाय कॉफिशियंट, रेट ऑफ डी डिवाइडेड बाय कॉफिशियंट। देखो रेट ऑफ सी डिवाइडेड बाय कॉफिशियंट प्लस रेट ऑफ डी डिवाइडेड बाय कॉफिशियंट माइनस रेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय कॉफिशियंट प्लस रेट ऑफ बी डिवाइडेड बाय कॉफिशियंट। भाई यहां कॉफिशियंट दो है, यहां तीन है, यहां चार है, यहां एक है। अब बताओ वो कह रहा है इनमें से कौन सी रिएक्शन का रेट लिखा है, तो कैसे निकालोगे, आपको ये कैसे पता चलेगा इनमें से कौन कौन रिएक्टेंट है, कौन कौन प्रोडक्ट है। भाई क्या इसमें लिखा है कि ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट है, कुछ लिखा है नहीं, आपसे तो उल्टा पूछ दिया है। इस बार रिएक्शन नहीं दी है, रिएक्शन पूछी गई है, तो आप कैसे पता लगाओगे कि रिएक्टेंट कौन है प्रोडक्ट कौन है, बताओ। क्या मैंने तुम्हें पढ़ाया है कि रिएक्टेंट के आगे माइनस प्रोडक्ट के आगे प्लस लगता है, क्या मैंने तुम्हें पढ़ाया है कि रिएक्टेंट के आगे माइनस और रिएक्टेंट के आगे माइनस और प्रोडक्ट के आगे प्लस लगता है। ये देखो माइनस लगा है, ये माइनस लगा है, इसका मतलब ये दोनों रिएक्टेंट है, इसके आगे प्लस लगा है, इसके आगे प्लस लगा है, इसका मतलब ये प्रोडक्ट है। अब नीचे क्या लिखे होते हैं, मैंने पढ़ाया है कि इंडिविजुअल रेट के नीचे जो लिखा होता है वो उसका कॉफिशियंट होता है, इंडिविजुअल रेट के नीचे जो लिखा होता है वो उसका कॉफिशियंट होता है। तो सी का कॉफिशियंट कितना है 2, डी का कॉफिशियंट कितना है 3, ए का कॉफिशियंट कितना है 4, बी का कॉफिशियंट कितना है 1। अब चेक कर लो ऐसा कहीं लिखा है, है कि नहीं, ऐसा कहीं लिखा है, ये लिखा है, देखो देखो, सही है, सही है। अब देखो डरना नहीं, डरना बहुत खराब बात है, डरना बहुत खराब बात है। अब ये मत देखो कि यार ये आईआईटी मेंस में आया है, ये तुम्हारे एग्जाम का क्वेश्चन है, रद्दी क्वेश्चन है। अब देखो वही चीज इसने भी घुमा के पूछी है, अब उसने रिएक्शन दे रखी है, अब पूछ रहा है कौन सा रिलेशन सही है, रिएक्शन देके कौन सा रिलेशन सही है, तो यार रिलेशन कैसे निकालते हो। रिएक्टेंट के लिए माइनस, प्रोडक्ट के लिए प्लस,
सही है कि नहीं भाई? कॉफिशियंट इंडिविजुअल रेट डिवाइडेड बाय कॉफिशियंट। अब देख लो कौन सा मैच कर रहा है। अब ये कहां चला जाएगा? टू पर, तो ये ऐसे लिख जाएगा। अब देख लो कौन सा सही है। अब इसने देखो माइनस नहीं लगाया है, है ना, तो कोई बात नहीं, हटा दो, वो बिना माइनस के कंपेयर कर रहा है। वैसे माइनस लगाना चाहिए, है ना, गंदी बात है, मगर कोई बात नहीं, भाई नहीं समझ रहा है। अब देखो उसने रेट ए के रिस्पेक्ट में लिखा है, ए के अंदर देखो नीचे कोई कॉफिशियंट नहीं है, ए के पास कोई कॉफिशियंट नहीं है, तो इसका मतलब इस कॉफिशियंट का मल्टीप्लाई इधर कर दो। तो जब इस कॉफिशियंट का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कैसा आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चलता है ना, तो ये भी टू पर, है ना, ये टू इधर चला जाएगा, ये टू इधर जाएगा, ये टू इधर जाएगा, तो ये टू इधर गया और साथ में ये ऊपर आया तो फोर हो गया। अब ऐसा कहीं लिखा है? क्यों? क्योंकि एक के डिवाइड में कोई कोएफिशिएंट नहीं था। तो अब मैच करो, थ्री बाई टू, टू बाई थ्री आएगा, थ्री बाई टू नहीं, बराबर नहीं, टू बाई थ्री। अब सी में कितना आएगा? फोर बाई थ्री। सी में कितना आएगा? फोर बाई थ्री। यहां पर यह गलत लिखा है, थ्री बाई फोर लिखा है, फोर बाई थ्री है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगे आपके पेपर में किसी दिन भी आ सकता है, फ्यूचर में आपके पेपर में किसी दिन भी आ सकता है। अब इस क्वेश्चन को आप देखो, ये आपके पेपर का क्वेश्चन है, बताओ ये आपके पेपर का क्वेश्चन है, इसको करो भाई, ये सीबीएसई का है, ये देखो पूछ क्या रहा है। For a reaction N2O5 2NO2 plus half O2, the value of rate of disappearance of N2O5 in given 6.25 into 10 to the power minus 3 mole liter inverse second inverse. The rate of formation of N लो देखो मैंने यही चीज अभी पीछे आपसे पूछ ली थी कि मान लो ऐसा पूछेगा तो कैसे करोगे, यही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से उठाया गया है, लैंग्वेज चेंज कर दी गई है, देखो यही रिएक्शन है, है ना, यही रिएक्शन है। बस उसने क्या किया, जैसे इसमें N2O5 का रेट निकाला हम लोगों ने, उसने दे दिया, और जो मैंने यहां पूछा है ना वही चीज इसने भी पूछ ली, उसने रेट देकर ये चीज पूछी है जो मैंने यहां निकाली है। देख लो आप, वही मैं कह रहा हूं, जो पढ़ाएंगे वही आएगा, बस आपका काम है करना। आप बताओ कैसे करोगे, इसका रेट दिया है और इसका पूछ रहा है, तो कर दो यार, इसमें क्या है ना, रेशियो बराबर करके कर दो, चाहे जैसे कर दो। अब देखो ऐसे क्वेश्चनों को आप क्या करोगे, डायरेक्ट टिक कर दोगे, कैसे, यहां कितना है कॉफिशियंट देखो, वन और टू, कॉफिशियंट क्या हो रहा है डबल, तो रेट भी क्या हो रहा होगा डबल, तो इसका रेट हो रहा होगा डबल, इसका डबल करो, ये तो बराबर दे रहा है, गलत, और इसमें दो का मल्टीप्लाई करोगे तो 12 हो जाएगा, 625 1250, और 1250 को आपने वन पॉइंट लिख लिया तो यहां एक पावर कम हो गई, तो ये तो सही लिखा है, है ना, ये गलत है, ये भी सही लिखा है, ठीक, तो इसका मतलब ये और ये आंसर तो नहीं हो सकता। अब आओ, यहां वन लिखा है, यहां क्या लिखा है हाफ, यहां वन लिखा है, यहां क्या लिखा है हाफ, कॉफिशियंट क्या हो रहा है आधा, तो रेट भी आधा, इसका आधा कितना होगा, थ्री पॉइंट दो से डिवाइड करो, थ्री पॉइंट, ठीक है, वन फाइव, तो थ्री पॉइंट, तो यहां पर देखो, यहां पर थ्री पॉइंट नहीं लिखा है भाई, ये तो पहले ही कट गए, तो इनको चेक ही क्यों करो आप। अब यहां देखो सिक्स लिखा है, जबकि रेट आधा हो जाएगा, तो बस ये आंसर है। क्या मैंने पेन चलाया? नहीं, ऐसे ही कर दिया यार, और तुम भी ऐसे करो। किसी बच्चे को ये ना समझ में आए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता रखा है, तो फिर आप वाला लगा दो जो ये पढ़ाया है आपको। मैं हर एक के कई कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, जैसे जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आप खुश हो, क्योंकि पेपर में आप जाओगे रिएक्टेंट के आगे माइनस, प्रोडक्ट के आगे प्लस, इनको कर लो, ऐसे करके देख लो आंसर आ जाएगा। अच्छा तुम कह रहे हो और करोगे, मानोगे ही नहीं, ये भी तुम्हारे स्कूल का क्वेश्चन है, स्कूल मतलब एग्जाम का, इसको करो। ओए भाई ये रिएक्शन अभी मैंने पीछे लिखी थी, BrO3 negative plus 5Br negative plus 6HIN, अच्छा acidic medium की, 3Br2 plus 3H2O, the rate of appearance of bromine is related to the rate of disappearance of bromide ion,
इसके और इसके बीच का रिलेशन पूछ रहा है, बताओ कौन सा सही है, क्या आएगा? बाय इंडिविजुअल रेट डिवाइडेड बाय कॉफिशियंट माइनस इंडिविजुअल रेट डिवाइडेड बाय कॉफिशियंट प्लस। अब देख लो ऐसा कहां मैचिंग आ रही है, बी आर टू लेफ्ट में है तो बी आर टू ऐसे कर लो यार, बी आर टू इक्वल टू क्या आएगा, ओ अब चेक करो, पहली बात 3/5 आएगा है ना, बी आर टू इक्वल टू तो 3/5 दिया है, दिया है, ये गलत हो गया, 3/5 दिया है नहीं। अब प्लस और माइनस की बात आती है, तो यार बी आर का क्या होगा साइन, प्लस और इसका साइन क्या होगा माइनस, यहां दोनों प्लस लगे हैं, दोनों प्लस कैसे होंगे है ना, तो ये आंसर है भाई, इसका रेट माइनस होता है ना, है कि नहीं, ये तुम्हारे पेपर के क्वेश्चन है, ये 2009 का क्वेश्चन है। जब भी कोई टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो उस सब टॉपिक में आए हुए सारे पीवाईक्यू, उस सब टॉपिक में आया हुआ सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन, देखो मैंने पीवाईक्यू करा रहा हूं, पहले मैंने एनसीईआरटी करा दी उसी सब टॉपिक की, उसी सब टॉपिक में जो एनसीईआरटी में आया करा दिया, फिर मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन कराए जैसे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो सके, फिर उस सब टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, ये देखो पीवाईक्यू वो सारे करा दिए, इसी तरह से लेक्चर चलेगा। और कल मैं इसका, जब कल मेरी क्लास होगी तो इसी सब टॉपिक के दो क्वेश्चन मैं दूंगा क्लास में घुसते ही, और उसके लिए मैं मतलब वो एक छोटा सा टेस्ट रहता है, जैसे बच्चे, इसका पीछे उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यह है कि बच्चे एक तो रिवीजन कर लें 5 मिनट में, और दूसरा ये कि उनका परफॉर्मेंस चेक हो जाए कि उन्होंने सीखा क्या। पढ़ना जरूरी थोड़ी है, तुम्हारा लोगों का सिलेबस क्या है, कोई वन ड्रॉपर है, कोई सेकंड ईयर ड्रॉपर है, कोई थर्ड ईयर ड्रॉपर है, कोई फोर्थ ईयर ड्रॉपर है, इसका मतलब क्या है, तुमने सिलेबस 5-5, 6-6 बार खत्म कर रखा है मगर सीखा कितना है, सीखा कम है, इसलिए नंबर नहीं आ रहे ना। तो हमारा काम सिखाना है, और तुमने सीखा या नहीं सीखा यह कैसे पता चलेगा, जब तुम टेस्ट दोगे। चलो बताओ इसको आंसर बताओ, वो कह रहा है अमोनिया का रेट दिया है, अब पूछ किसका रहा है, हाइड्रोजन का, अमोनिया का रेट दिया है, हाइड्रोजन का पूछ रहा है, ये दिया है, ये पूछ रहा है, जो मोल का रिलेशन वही रेट का रिलेशन, 2 मोल का रेट कितना है, इतना, तो 1 का कितना होगा, और यहां कितने हैं, 3, 3 का कितना होगा, है ना, वही किया है भाई, जो कॉफिशियंट में रिलेशन वही इसमें रिलेशन, और चाहो तो ऐसे कर लो यार, चाहे जैसे करो यार, रिएक्टेंट है तो ध्यान रखना माइनस में आना चाहिए रेट, इन्होंने साइन नहीं लगाया, और यदि साइन लगाते तो माइनस वाला टिक करना, क्योंकि ये रिएक्टेंट का रेट है ना। अब यार इस क्वेश्चन को कर लो, ये भी तुम्हारे एग्जाम का क्वेश्चन है, तो अब इसको कैसे करोगे, जरा गौर से ध्यान दो, पूछ क्या रहा है, कंसीडर द रिएक्शन N2+3H2 गिव्स 2NH3, द क्वांटिटी इक्वालिटी रिलेशनशिप बिटवीन अमोनिया और हाइड्रोजन, कैसे करोगे, आपको पता है इंडिविजुअल रेट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट, इंडिविजुअल रेट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट, अरे मुन्ना रिएक्टेंट में माइनस प्रोडक्ट में प्लस, ये माइनस है, अब किसके रिस्पेक्ट में लिखा है, अमोनिया, अमोनिया लेफ्ट में है तो अमोनिया को लेफ्ट लिया, जब आप अमोनिया को लेफ्ट में ला रहे हो तो ऐसा हो रहा है। अब देखो कौन सा सही है, पहली बात यहां माइनस आना चाहिए, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है तो माइनस आना चाहिए, सही है, कितना है 2/3, ये गलत लिखा है 3/2, 2/3 इसमें लिखा ही नहीं है। अब बेटा यदि तुम देखो कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है, 2/3 कहीं नहीं लिखा है, डिंग 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 डिंग, तो क्या मैंने गलत कर दिया है, ऐसा पॉसिबल है नहीं है ना, क्योंकि मैंने कहीं सिली मिस्टेक नहीं की है, ये क्या लिखा है, सॉरी ये मैंने क्या लिख दिया है, तो मैंने तो कहीं सिली मिस्टेक की नहीं है, तो भाई ने क्या किया है, यहां 2 लिखना भूल गया है, ऐसे ये आंसर होगा है ना, यहां पे 2 लिखना भूल गया,
ठीक है, तो वो आंसर होगा। क्लियर? क्लियर। अब तुम्हारी इच्छा, नहीं सर हम मानेंगे नहीं, हम तो और क्वेश्चन करेंगे। तो भाई कर लो यार, हम थोड़ी रोकते हैं। और मैं पीवाईक्यू करा रहा हूं, सारे पीवाईक्यू करा दूंगा, सारा कुछ करा दिया जाएगा आपको, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। जब भी लेक्चर होगा ये सारी बातें करा जाएंगे, उस सब टॉपिक के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, उस सब टॉपिक के सारे पीवाईक्यू, और उस सब टॉपिक के जो क्वेश्चन मैंने बनाया है, फिर उस सब टॉपिक का क्यूएचडी। बताओ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्रेस द रिएक्शन रेट। इनमें से कौन गलत है, क्योंकि डज नॉट लगा है तो आप तो जानते ही हो ये रिएक्टेंट है, निगेटिव होना चाहिए, और वो प्रोडक्ट है पॉजिटिव होना चाहिए। अब देख लो कौन गलत लिखा है, वैसे ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट टिक कर सकते हो। ये प्रोडक्ट है पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव लिखा है तो यही नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखो पॉजिटिव लिखा है, ये रिएक्टेंट है निगेटिव होना चाहिए, ये रिएक्टेंट है निगेटिव होना चाहिए, यही गलत लिखा है। भाई ये प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव होगा ना, है कि नहीं यार? ये लो ये क्वेश्चन भी कर लो तुम्हारे एग्जाम का। वो कह रहा है बी का रेट किसके इक्वल होगा, करना क्या है, बी का रेट किसके इक्वल होगा, ये लो 3/2 ए के रेट के होगा। डायरेक्ट लिख दूं मैं तो डायरेक्ट लिख देता हूं, अरे यार बी का रेट पूछ रहा है तो 2 इसके नीचे आ गया, तो 3/2 रेट ऑफ ए, माइनस साइन के साथ ए का माइनस होगा बी का प्लस। और नहीं तो वैसे कर लो भाई, कोई बच्चा दिक्कत में आए तो वैसे कर लो, ये माइनस ये प्लस, किसका पूछ रहा है बी का, ऐसा कहीं दिया है 2/3 है, 2/3 है। लो सारे पीवाईक्यू सब कुछ करा दिया, इसी तरह से पढ़ाई चलेगी मंथन बैच में, और इससे भी खतरनाक, यदि सिलेक्शन चाहिए तो इसी तरह से पढ़ाई करनी है, इसी तरह से पढ़ाई करनी है। तो बच्चों अब हम लोग मिलेंगे, ये डेमो क्लास थी, अब हम लोग मिलेंगे क्लास के अंदर। क्लासेस जो है मंडे से चालू हो रही हैं, क्लासेस मंडे से चालू हो रही हैं, तो मंडे से पूरी तरह से लग जाओ। देखो पीछे आपने क्या किया है इसको छोड़ दो, सारी चीजें बेसिक से पढ़ाई जाएंगी। बेसिक से क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता है कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है, मगर उस बच्चे के लिए भी है जिसके 0 नंबर आ रहे हैं, और उस बच्चे के लिए भी है जिसको पहली रैंक लानी है 720 में से 720, क्योंकि सब पढ़ा जा रहा है बिल्कुल बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक। सारे पीवाईक्यू करा दिए जाएंगे, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी जाएगी, सब करा दूंगा, इसी तरह से पढ़ाऊंगा, और डेली टेस्ट लूंगा क्यूएचडी के फॉर्म में, डेली टेस्ट लूंगा 2 क्वेश्चन का क्यूएचडी। अब आपने पीछे क्या किया है इन बातों को बिल्कुल भूल जाएं, अब आप क्या कर सकते हो इस पे ध्यान दो, पछताने से कुछ नहीं होता है। देखो आप 2 बार में सेलेक्ट हुए हो या 3 बार में सेलेक्ट हुए, क्या किसी डॉक्टर से आपने जाके आज तक पूछा? आप कहते हो डॉक्टर साहब बस मुझे ठीक कर दो, तो ये सब चीजें पीछे छूट जाएंगी। लोग क्या कहते हैं इस पे मत फोकस करो कि यार 3 साल हो गए मैं नहीं सेलेक्ट हुआ, तो लोग बोल रहे हैं, है ना, उनको छोड़ दो, लोगों का काम है बोलना, आप अपने फ्यूचर पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, और सेलेक्ट होके दिखाओ सबको। ताला सबके मुंह में तभी लगेगा जब सक्सेस के थ्रू आप उनका मुंह बंद करोगे, नहीं तो आप चाहे जितने एक्सक्यूज देते रहो कोई नहीं सुनता है, मगर जब आपकी सक्सेस चिल्लाती है ना तो सिर्फ लोग सुनते ही सुनते हैं। तो इसलिए ध्यान रखो, मौका आपके पास है जान लगाओ, ठीक है? तो मिलेंगे कब, मंडे को क्लास में मंथन बैच में, क्यों, मंडे से मंथन बैच की क्लासेस स्टार्ट है, ठीक है, और फोड़ेंगे। बाय बाय, मिलते हैं।